नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत को लेकर के अब सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मामला सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद जांच कर रही सीबीआई की स्पेशल क्राइम यूनिट ने गुरुवार यानी कि कल एसआईटी के अधिकारियों से बातचीत की और एडीजी के मौत की जाँच के लिए झारखंड सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी अधिकारियों से पूरा विवरण पूछा, साथ ही एसआईटी ने सीबीआई की क्राइम यूनिट को केस से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और केस डायरी सौंप दी है। सीबीआई ने इस मामले में एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए 100 से अधिक गवाहों के बयान भी झारखंड पुलिस से लिए हैं और सीबीआई को दो संदिग्धों लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा, जो उस दिन ऑटो चला रहे थे जिसने जज को टक्कर मार दी थी, उनके बयान भी लिए हैं। ये सिर्फ दो संदिग्ध हैं जिन्हें एसआईटी ने गिरफ्तार किया। ऑटो रिक्शा मालिक रामदेव लोहार का भी बयान दर्ज किया गया। सीएसएफएल टीम के साथ सीबीआई टीम घटनास्थल का दौरा करेगी और पूरे मौके को दोबारा से रिस्ट्रक्ट किया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के जो पैनल है उनसे भी सीबीआई बात करेगी। मैं आपको बताऊं कि पूरा मामला क्या था। उत्तम आनंद सुबह के समय टहलने के लिए निकले थे, इस दौरान एक ऑटो ने उनको टक्कर मार दी। इस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग नज़दीक के ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है और इस घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया और पुलिस इस मामले की हत्या के हर एंगल पे नज़र रखे हुए है, उसकी जाँच कर रही है और बाद में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। तो ये थी खबर के अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई करेगी। दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स, और आपकी टिप्पणी मेरे लिए बेहद कीमती है। आप अपना कमेंट मुझे ज़रूर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।